स्वागत है आप सभी के दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज का ये जो वीडियो है ये सीबीएसई पोर्टल पे जो क्लास 10th का रिजल्ट हम लोगों को फाइनलाइज करना है उससे रिलेटेड है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने चार वीडियो और भी बनाए हुए हैं जिसमें मैंने आपको पूरी मेथड बताई हुई है कि आपको क्लास 10th के लिए जो आउट ऑफ 80 मार्क्स प्रिपेयर करने हैं 5 सब्जेक्ट्स के लिए या 6 सब्जेक्ट्स के लिए या 7 सब्जेक्ट्स के लिए, इससे रिलेटेड ये एक और वीडियो है। बट आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि जिन स्कूल्स का रेफरेंस ईयर 2018 है या 2019 है, ठीक है, उन लोगों को मैथमेटिक्स बेसिक के रेंज वाइज परसेंटेज नहीं दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से। ठीक है, जो ब्रॉड रेंज दी है सीबीएसई ने अलग अलग रेंज के लिए जो स्टूडेंट के परसेंटेज दिए हैं 5 सब्जेक्ट के लिए, कई स्कूल्स ऐसे हैं जिनका रेफरेंस ईयर 2018 है या 19 है। ठीक है, जिन स्कूल्स का रेफरेंस ईयर 2020 है क्योंकि 2020 में बेसिक था सो उनको बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक के भी परसेंटेज दिए गए हैं अलग अलग रेंज के, बट जिनका रेफरेंस ईयर 2018 है या 2019 है उनको मैथमेटिक्स बेसिक के परसेंटेज नहीं दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट रेंज के लिए। सो उन परसेंटेज को कैसे निकालना है अलग अलग रेंज के लिए ताकि आपका जो रिजल्ट है वो परफेक्टली सीबीएसई की कंडीशंस को फॉलो करते हुए बन पाए, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी आपके अपने ही स्कूल से। जैसे कि सबसे पहले आपको 2020 के उन बच्चों का डेटा चाहिए रहेगा जिन्होंने बेसिक लिया हुआ है। ठीक है, सो उनके आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए रहेंगे, उनके आपको इंटरनल मार्क्स चाहिए रहेंगे, तभी आप उनके आउट ऑफ 80 मार्क्स कैलकुलेट कर पाएंगे। सो मैंने यहाँ पे एक डमी शीट बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने कुछ डमी डेटा एंटर करा हुआ है और डमी मार्क्स ही एंटर करे हुए हैं आउट ऑफ 100। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डमी डेटा एंटर करा हुआ है आउट ऑफ 100 और सपोज करिए यहाँ पे मैं उसी तरीके से डमी मार्क्स जो है वो एंटर कर रहा हूँ इंटरनल मार्क्स आउट ऑफ 20 उन्हीं बच्चों के जिन्होंने बेसिक लिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ डमी मार्क्स हैं उन्हीं बच्चों के इंटरनल मार्क्स हैं आउट ऑफ 20 जिन्होंने बेसिक लिया हुआ है। सो आपको ये दो चीजें लगेंगी, एक तो आपको रिजल्ट लगेगा आउट ऑफ 100 और दूसरा आपको इंटरनल मार्क्स लगेंगे अपने स्कूल से लास्ट ईयर 2020 के, तभी आप ये रेंज को कैलकुलेट कर पाएंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आउट ऑफ 100 में से ये जो 20 मार्क्स हैं इनको माइनस कर देना है। इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपको आउट ऑफ 80 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि आपको ये कलर फॉर्मेटिंग कैसे करनी है ताकि आप काउंट कर पाएं कि किस रेंज में कितने बच्चे हैं, सो आप मेरे पुराने वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, मैं उनके लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये कलर कैसे आया है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हर एक कैटेगरी के लिए एक कलर को डिफाइन करा हुआ है। सो बिलो 20 की कैटेगरी के लिए ग्रीन कलर है, 26 टू 40 की कैटेगरी के लिए ब्राउन कलर है, 40 टू 50 की कैटेगरी के लिए रेड कलर है, 50 टू 60 के लिए पर्पल कलर है, 60 टू 70 के लिए लाइट ब्राउन या लाइट पिंक कलर है, 70 टू 80 की कैटेगरी के लिए ग्रे कलर है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्क्स कैलकुलेट करे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू यहाँ पे कंडीशंस लगाई हुई है, सो यहाँ पे दिख रहा है कि 60 टू 70 की कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और 50 टू 60 की कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं अभी एक फॉर्मूला लगाऊंगा सो वो भी आपको मैच होता हुआ दिख जाएगा। मैं यहाँ पे कोई भी मैनुअल एंट्री नहीं करूंगा, मैं सारे फॉर्मूलाज के थ्रू आपको यहाँ पे करके बताऊंगा। सो ये कलर कॉम्बिनेशन कैसे करना है, आपको ये रेंज सिलेक्ट करना है इस तरीके से और आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको हाईलाइट में जाना है और लेस देन के लिए आपको सिलेक्ट करना है और लेस देन के लिए आपको यहाँ पे लिखना है 26। सो 26 से नीचे जो भी होगा उसका कस्टम फॉर्मेट आपको करना है। कस्टम फॉर्मेट में आपको जाना है, यहाँ पे आपको फिल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है जो मैंने यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट करा हुआ है और ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से आपको आपके सारे कस्टम फॉर्मेट कर लेने हैं। बिटवीन के लिए आपको क्या करना है, हाईलाइट सेल में जाना है, बिटवीन लेना है और 26 टू 40 के बीच का आपको यहाँ पे इस तरह से नंबर को एंटर करके, मान लीजिए 26 टू 40 और इसके लिए हमने डार्क ब्राउन कलर लिया हुआ है तो कस्टम फॉर्मेट फिल में गए, यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर हमने ले लिया है और ओके कर दिया। सो ये मेरा इस तरह से कस्टम फॉर्मेट हो जाएगा। सो आप जैसे ही यहाँ पे मार्क्स एंटर करेंगे 100 और 20 और जैसे ही उसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया होगा तो ये सारे मार्क्स ऑटोमेटिकली इन दिए हुए कलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे अगर मेरा कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स ज़्यादा कम है, ठीक है, अगर वो 40 टू 50 की रेंज में आता है, सपोज करिए ये 60 है तो सपोज करिए वो 40 टू 50 की रेंज में जैसे ही आया है तो देखिए यहाँ पे वो रेड कलर से इंडिकेट होने लग गया है। अब आपको फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगाना है, सो यहाँ पे देखिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे आपको रेफरेंस पास करना है। सो रेफरेंस पास करने के लिए आपको इतनी चीज़ हटानी है कॉमा से पहले वाली चीज़ और आपको ये पूरा रेफरेंस दे देना है। जैसे ही आप ये रेफरेंस देंगे यहाँ पे ये
जो फॉर्मूला है वो वर्क करने लग जाएगा। आपको ये रेफरेंस कॉपी कर लेना है दूसरे फॉर्मूलाज के लिए और यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो देखिए ज़ीरो हो गया। ब्राउन वाले सेल पे आते हैं, वहाँ पे हम ये फॉर्मूला को एंटर करते हैं, फॉर्मूला को करेक्ट करते हैं और इसको प्रेस करते हैं एंटर। तो देखिए यहाँ पे ज़ीरो आ गया है। फिर यहाँ पे भी हम इस फॉर्मूला को करेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वन ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि एक बच्चा है जो इस कैटेगरी में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में भी हमने फॉर्मूला को चेंज कर दिया, तो देखिए वन आ गया है। नेक्स्ट सेल में हम फॉर्मूला को एडिट करते हैं और चेंजेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे फोर स्टूडेंट आ गए हैं जो कि हमें कलर कॉम्बिनेशन से भी दिख रहा है और यहाँ पे हमने फॉर्मूला को एडिट कर दिया है नेक्स्ट सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आ गए हैं सिक्स। आपके टोटल सिक्स स्टूडेंट है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है और ये सिक्स स्टूडेंट के परसेंटेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी तो आपको ये क्या मिला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मिले हैं, अभी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सो ये अभी आपको मिला है नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो मैं इसको सही कर देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए हैं अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे चाहिए परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे होगा, यहाँ पे हमें लगा इक्वल, यहाँ पे हमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिले हैं उसको हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। सो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ इसे। सो अब मैं यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट को, हर एक रेंज के नंबर ऑफ स्टूडेंट को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्स हैं, सो सिक्स से मैंने इसको डिवाइड करा, तो यहाँ पे आपको जो परसेंटेज है वो मिल गया है। इसी तरीके से मैं इस फॉर्मूला को आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज मिल गया है। अब हम इसको टोटल भी करके देख लेते हैं। परसेंटेज के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा डिवाइड करने के साथ में, तो 100 से मल्टीप्लाई भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको टोटल 100 मिल गया है। मतलब जब आप इन सभी परसेंटेज को ऐड करेंगे तो आपको 100% यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, सो ये आपके परसेंटेज आपको मिल गए हैं एज पर द रिजल्ट ऑफ 2020। ठीक है, सो ये मैथमेटिक बेसिक के परसेंटेज आपको मिल गए। अब इन्हीं परसेंटेज को आप वहाँ पे एज अ रेफरेंस ईयर के परसेंटेज यूज करेंगे और 2021 के लिए एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट करेंगे इन्हीं को यूज करके। ठीक है, जैसे आपको सीबीएसई ने परसेंटेज दिए थे बाकी सब्जेक्ट के लिए, ये परसेंटेज आपने खुद से कैलकुलेट कर लिए हैं। अब अगर आपको चेक करना है कि ये परसेंटेज सही है कि नहीं है ये, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक चीज पता है कि सीबीएसई ने आपको हिस्टोरिकल डेटा में मैथमेटिक्स बेसिक का एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको चेक करना है कि ये जो परसेंटेज है ये सही है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाना है और ये जो आपके बेसिक के मार्क्स आए हैं इनको यहाँ पे पुट अप करना है और एवरेज फाइंड आउट करना है। अगर आपका ये एवरेज सीबीएसई के दिए हुए एवरेज से मैच कर जाता है, इसका मतलब आपके ये मार्क्स जो हैं वो सही हैं और आपके ये जो परसेंटेज आए हैं ये भी एकदम सही हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को करना ना भूलिएगा। आप अपने हिस्टोरिकल डेटा के मैथमेटिक्स बेसिक के एवरेज को ये जो एवरेज आपने फाइंड आउट करा है इससे जरूर मैच करिएगा। अगर ये दोनों एवरेज मैच कर जाते हैं, यहाँ पे जो एवरेज आपने कैलकुलेट करा है और सीबीएसई ने जो आपको मैथमेटिक्स बेसिक का एवरेज दिया है, इसका मतलब ये सारी कैलकुलेशन जो है वो आपकी एकदम सही है। सो आप इन परसेंटेज को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस शीट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, सो आप अपने मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के, आप उनका डेटा यहाँ पे इंसर्ट करके देख सकते हैं और इस तरह से यहाँ आप अपने बेसिक के अलग अलग रेंज के परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो सो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए। ये वीडियो जो है ये स्पेशली मैथमेटिक्स बेसिक के लिए है और उन लोगों के लिए जिनका रेफरेंस ईयर 18 या 19 है, जिनका रेफरेंस ईयर 2020 नहीं है, क्योंकि 2020 वालों को परसेंटेज अलग अलग रेंज के लिए मिले हैं मैथमेटिक्स बेसिक के लिए, बट 18-19 वालों को मैथमेटिक्स बेसिक के लिए परसेंटेज नहीं मिले हैं।
ठीक है। तो जिन लोगों ने रिजल्ट फाइनलाइज नहीं करा है वो एक ये चीज और कंफर्म कर लीजिए अपने रिजल्ट को फाइनल करने से पहले। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ।